हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तुम्हारी सियासत की कब्र खुद गई है, बल्कि वो दफनाई गई है। उस कब्र के ऊपर पौधे भी उगने शुरू हो गए हैं, तुम -1 हो चुके हो। नवाज शरीफ, आप -1 हो चुके। आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने -1 किया। इमरान खान की खानेवाल में गोलाबारी, आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहा नून लीग हारेगी, PTI मैदान मारेगी, इख्तदार में आकर किसी के खिलाफ इंतकामी का नहीं करेंगे। किसी किस्म की हम मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, झूठे केस नहीं करेंगे। कोई MNA, कोई वजीर अपना थानेदार नहीं रखवाएगा। कप्तान ने वजीर आजम को भी निशाने पर रख लिया। कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने शौकत अजीज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो एक नाअहल वजीर आजम के कदमों में गिरे हुए हैं। खाकान अब्बासी, मैंने तुम्हारे से ज्यादा कमजोर वजीर आजम देखा ही नहीं है। मैं समझता था कि शौकत अजीज कमजोर है, तुमने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। कप्तान ने हुकूमत पर MNAs को अरबों रुपए देने का इल्जाम भी लगा दिया। पीपल्स पार्टी और PTI का रवैया गैर जमहूरी है, जलसे बाद में कर लेना, पहले हल्का बंदियां तो कर लो, वजीर रेलवे का मशवरा। हमने मर्दमशुमारी के नतीजे को कबूल कर लिया, जिनकी नशिस्तें कम हुई है, जिनके इंटरेस्ट पे असर पड़ रहा है, बाकियों को भी चाहिए कि वो खुशदिली से आगे बढ़े और अपनी जो कानूनी और आईनी कार्रवाई है उसे हम पूरा करें ताकि टाइम पे इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए। साउथ अफ्रीका ने खबरदार भी किया, कहा आईनी तरमीम बर वक्त ना हुई तो इंतखाबात की मंजिल दूर जा सकती है। नवाज शरीफ को जरदारी से मुलाकात ना करने का दिया गया मशवरा गलत था, लीगी रहनुमा का एतराफ। मुफामती गुरु को सियासत का आइंस्टाइन करार दे दिया। कहा वो जो लड्डू बांटते हैं उन्हें वही खा सकता है जिनका हाजमा उन जैसा हो। जरदारी से मिलने की कोई बेताबी साहब से मिलने के लिए कोई बेताबी नहीं है। जरदारी साहब को लड्डू थोड़ी बांटते हैं, वो जो लड्डू बांटते हैं वो सबको पता है, हमें वो लड्डू नहीं चाहिए। जरदारी साहब के लड्डू वही लोग खा सकते हैं जिनका हाजमा उन जैसा। महाजराई की सियासत बंद और अदालती फैसलों पर मिनो अन अमल होना चाहिए। इदारों के दरमियान टकराव के बयान पर कायम हूँ, चौधरी निसार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डॉन लीक्स रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए, इस मामले में किसी मरहले पर मरियम नवाज का नाम नहीं आया। आईन तोड़ने वाला मुल्क से फरार हो गया, इसे रियासत अदालत में नहीं ला सकी। हमें तय करना होगा पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोई और, चेयरमैन सेनेट रजा अब्बानी का सवाल। कहा गैर आईनी बात सुनकर दिल खून के आंसू रोता है, टेक्नोक्रेट हुकूमत की आईन में कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत का कोई आईन के अंदर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात वो लोग कर रहे हैं जो वोट के जरिए इख्तदार में नहीं आ सकते। ऐसे लोगों ने आज कने शेरवानियां और सूट भी सिलवा लिए। स्पीकर आयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। जो इख्तदार में वोट के जरिए नहीं आ सकते उनकी ख्वाहिश ऐसी जरूर होती है, ये भी मैं जानता हूँ। कई लोगों ने तो अचकने सिलवा लिए, नए सूट सिलवा लिए। कहते हैं धरनों से पहले कोई फर्क पड़ा ना पड़ेगा। अरशद वोहरा को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिखा, फारूक सत्तार की प्रोग्राम जीफ और खरीदा में गुफ्तगू। MQM की बागडोर संभालने के नबील गबोल के बयान की तर्दीद भी कर दी, तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे नशर किया जाएगा। नबील गबोल कुछ भी कहें या कोई और भी कहें, ये सारी बातें कुछ लोगों की या किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, परवेज मुशर्रफ साहब की अपनी भी ये ख्वाहिश हो सकती है।
हुकूमती इकदाम से कराची की रोशनियां बहाल हुई। किसी के मुसलमान होने या ना होने का फैसला रियासत ने करना है। वजीर दाखिला का तकरीब से खिताब, कहा जिहाद का ऐलान भी रियासत कर सकती है। खत्म नबूवत के मामले पर कौम को तकसीम नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने मदारिस के बारे में दोगली पॉलिसी अपना रखी है, अब वो दलदल में फंस गई है। सरबरा जे यू आई फे मौलाना फजल रहमान का टांक में खिताब, कहा फाटा का के पी के में इंजमाम तारीखी जुल्म है, इंजमाम से ज्यादा फायदा फाटा को अलग सूबा बनाने में है। नाम निहाद गैरत के नाम पर दो जिंदगियों के चराग गुल। फैसलाबाद के रवाई इलाके पीर महल में लड़की और लड़के से जीने का हक छीन लिया गया, पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। पंजाब में स्मॉग से मामूलाते जिंदगी मुतासर होने लगे। मोटरवे M3 और M2 ट्रैफिक के लिए बंद रहा। मुख्तलिफ शहरों में कई परवाजें ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। शहरियों का घरों से बाहर निकला हुआ इसमें आराम आ जाएगा। पता नहीं धुंध है, धुआं है, क्या है, आंखों में लग रहा है, बाहर निकला नहीं जाता। बस रस्ते में जाते आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी जा रही है इस वजह से। आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग मजीद बढ़ सकती है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मौसमी तब्दीलियों से लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर निकल आया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत गिर्दोनवा में बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचिनन कर दी, लेकिन वजारत पानी और बिजली सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, लुटेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। अजीजाबाद में 3 नौजवान घर के दरवाजे पर लुट गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी में नाकाम। ओवरटेक क्यों किया, मीरपुर आजाद कश्मीर में सफाकियत की इंतहा। कार सवार आपे से बाहर, लोहे की तशद्दुद का निशाना बनाया। नवाकीन का एहतजाज, इंसाफ की दुहाइयां, मुल्ज़िम गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला ना थम सका। काबिज फोर्सेस का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। जाली मुकाबले में एक और बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीरियों का एहतजाज। अमरीकी सदर और अहलिया का हवाई में पर्ल हार्बर मेमोरियल का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले 11 रोजा दौरा एशिया में जापान, चीन, वियतनाम, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। लबनान के वजीर आजम साद अल हरेरी वजारत उज़्मा से मुस्ताफी। साद ने जान के खतरे के पेश नजर वजारत उज़्मा से इस्तीफा दिया। ईरान पर हिजबुल्ला को फंडिंग का इल्जाम भी लगाया। स्पेन की अदालत ने कातालूनिया के माजूल सदर और उनके 4 वजरा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। माजूल सदर फरार होकर बेल्जियम पहुंच गए। कहते हैं जब तक फेयर ट्रायल की जमानत नहीं मिलती वतन वापस नहीं जाऊंगा।